समाज के बच्चों के लिए भवन की मांग को लेकर कामठ समाज ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अंतिम संस्कार हेतु शमशान भूमि समाज के बच्चों के लिए भवन की जमीन उपलब्ध करवाने की मांग को रखते हुए पाली कामठ संत समाज ने जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंपा। समाज के गोवर्धन दास ने बताया कि कमर संत समाज बहुत बड़ा समाज है और आज दिन तक इस समाज का कोई भी शमशान भूमि नहीं दी गई है, जिसकी वजह से समाज में किसी भी मृत्यु होने के बाद हमें समाधि देनी होती है और उस वक्त हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षमा पूर्व हमारे समाज की वृद्ध महिला की मृत्यु पर चार जगह शमशान घरों पर ले गए, लेकिन समाज के लोगों ने दफनाने के लिए जमीन नहीं दी। राज्य सरकार के परिपत्र में मानवाधिकार आदेश की पालना के लिए अनुसार अंतिम संस्कार नियम अनुसार निःशुल्क शमशान गृह समाधि स्थल हेतु करीब 5 बीघा जमीन करवाने की मांग को रखते हुए ज्ञापन सौंपा। पाली ने कलेक्टर महोदय से मिलकर एक ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत हमारे समाज के अंदर समाज बंधु किसी की स्वर्गवास होने के पश्चात हमारे यहाँ समाधि स्थल की व्यवस्था पर्याप्त रूप से नहीं है। इसलिए इस प्रकार से ज्ञापन हम आप कलेक्टर साहब को सौंपना चाहते हैं। इसके लिए हमें भूमि का आवंटन चाहिए। समाधि स्थल के साथ साथ हमारे समाज के छात्रों के लिए छात्रावास भवन एवं समाज भवन की भी आवश्यकता रहेगी, इसलिए पर्याप्त जमीन की आवश्यकता है हमें। इसके तो हम कलेक्टर महोदय से ज्ञापन करेंगे।